बिहार के बाद झारखंड की सियासत में भी खेला हो गया। जैसे ही बुधवार को खबर आई कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद से राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा और तेज हो गई। चर्चा ये थी कि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो सूबे की अगली सीएम होंगी। लेकिन 31 जनवरी को रात 8 बजे के आसपास बड़ी खबर आई कि चंपई सोरेन झारखंड के अगले सीएम होंगे। अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए रांची में 30 जनवरी से ही जेएमएम विधायकों की बैठक शुरू होने लगी थी, जिसमें कल्पना सोरेन की जगह चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। यानी कि 4 दिन से चल रहे सियासी दांवपेच के बीच चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगी। अचानक उनके नाम की चर्चा हुई और उन्हें गठबंधन का नेता चुन लिया गया। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन हेमंत कैबिनेट में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। झारखंड की सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा उपाध्यक्ष भी हैं। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के परिवार के बेहद करीबी हैं और शिबू सोरेन के साथ ही झारखंड राज्य के आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। चंपई बीजेपी जेएमएम की अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चंपई सोरेन को नेता चुनने के बाद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक राजभवन पहुंचे। चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र चंपई सोरेन ने राज्यपाल को सौंपा। यानी गठबंधन का दावा है कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा है। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। राज्यपाल ने भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया था।